वीडियो बना रहे हैं हमारे ऊपर, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है कि क्यों बना रहे हैं, क्यों मेरी वीडियोस डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इतनी मेरे में भी नहीं है कि मैं ये सब देख सकूं कि मेरी वीडियोस बनाई जा रही हैं, कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, इतनी मेरे में कैपेसिटी नहीं है देखने की। बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि तुम लोग इतना मत गिरो कि सपना मर गई है ना, सपना को हार्ट अटैक आ गया है, ये थंबनेल आप देख ही रहे हो, राजवीर के बाद ये हुआ, उसकी सासू माँ ने घर से बाहर निकाल दिया, काफी मतलब किस चीज के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक व्यूज के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं, है ना। जैसे आप थंबनेल में लिखते हो कि सपना मर गई, सपना को अटैक आ गया, ये सब डालते हो, एक बार मेरी बच्चियों की तरफ देख लिया करो कि बाई चांस मुझे कुछ हो गया, मेरा आज पति नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची को क्या होगा, एक बार देख के लिखा करो। ये टाइटल जो आप दे देते हो एक व्यूज के लिए दे देते हो, मर गई सपना, अरे राजवीर जी चले गए तो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो तुम वीडियोस बना रहे हो ना कि ये हुआ, हमें दुख है, ये है, वो है, थंबनेल में जैसा तुम लोग पे बन रहा है तुम वैसा डाल रहे हो, तो तुम लोग को फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार को, मेरे सास ससुर को, अंशु को, मेरे बच्चों को, फर्क इनको पड़ा है, बाकी तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा जो वीडियोज बना रहे हो कि उसकी सासू माँ ने निकाल दिया, फेक फेक थंबनेल निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तुम लोग को क्या व्यूज आ रहे हैं, तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं, उससे तुम्हारी जिंदगी बढ़िया कट रही है, पर तुम जिंदा इंसान को क्यों मार रहे हो। मैं जिंदा हूँ आज तो मुझे भी मार डाल रहे हो, किस वजह से, एक व्यूज के लिए, एक व्यूज के चक्कर में। मैं रोज देखती हूँ फेक न्यूज आती है तो मैं बंद कर देती हूँ अपना फोन। तो आप लोग शिवी को बीच में मत लेके आओ, शिवी मेरी एक दोस्त है और उसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, अच्छी दोस्त है, अच्छी मानती हूँ मैं उसको और बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उससे, तो वो मेरी कोई दुश्मन नहीं है, जो कर रही है अच्छे के लिए कर रही है, बढ़िया है। अब शिवी का और मेरे मायके वाली जो मेरी फैमिली है उसका कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी फैमिली है और कहते ने जन्म दिया है मुझे, माँ बाप है वो मेरे, उन्होंने एक बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे क्या सबको ही बुरा लगा, मेरे ससुराल में बहुत बुरा लगा कि उनको एक मेरे पति को एक महीना नहीं हुआ, एक सेलिब्रेशन वो नहीं रहता कि तुम बहुत सारे लोगों को बुलाओ या कुछ भी करो, एक बर्थडे केक ही कट दिया। वजह क्या थी उन्होंने कि हमारे बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा जब बड़ा हो गया वो देखेगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया पहला, तो उन्होंने वजह ये दी, कोई और वजह होती या फिर वीडियो नहीं डालती वो यूट्यूब पे मैं पता नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। मैं अपने मम्मी पापा की बात कर रही हूँ, इतना दुख नहीं होता, वो भी ये वीडियो देखेंगे, इतना दुख नहीं होता कि तुम लोग वीडियो नहीं डालते, है ना, तुमने वीडियो बनाई और वजह तुम कितनी अच्छी दे रहे हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा जब उनको कितना बुरा लगेगा, मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, दो बेटियाँ हैं मेरी, वो भी बड़ी होंगी तो उनको कैसा लगेगा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं जानेंगी। अरे तुम नहीं भी कट करते, मंदिर जाते, वहाँ आशीर्वाद दिलवा लाते या वीडियो नहीं डालते, सोशल मीडिया है ये, यूट्यूब है ये, इससे पैसे कमाने के अलावा एक इज्जत रहती है, वो गिर भी जाती है और वो अच्छी बन भी जाती है, दोनों चीज़ होती है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस चीज़ को लेके, चलो उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनकी लाइफ है, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, पता है मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है बिल्कुल, तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी से कि कर रहा है सेलिब्रेट, करने दो, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई ना। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि मेरी वजह से भाई किसी को गालियां मत दो, तुम किसी भी को गालियां दे रहे हो, मुझसे मिलने भी आ चुकी है, अब तक मुझसे वो दो बार मिलने आ चुकी है, जब उसको पता चली थी वो तब भी मुझसे गांव मिलने गई थी और तुम लोग बोलते हो उससे कि वीडियो क्यों नहीं बनाती, भाई ऐसी हालत में कौन वीडियो बनाएगा। तो किसी को तुम गालियां मत दो, उसके बच्चे तक तुम लोग उसको गालियां दे रहे हो मत दो भैया। मेरे साथ जो हो गया वो ठीक है, मैं उसको अपना रही हूँ, बाकी तुम किसी को कोई गालियां मत दो, करने तो जिसको जो करना है, वो मेरी दोस्त है, अच्छी दोस्त रहेगी, बस किसी का कंपेयर मत करो, बस
मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं कि FIR दर्ज करवा दी कि ये साजिश से किया है, ये मर्डर है, ये वो। ये तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारी एक छोटी सी फैमिली है, उसको अच्छे से जीने दो। तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे तो बस एक व्यूज के लिए कि राजवीर जी के साथ ये हुआ। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ रही है यार, हम पे क्या बीत रही है। तुम लोग हमारे गाँव घर के लोग हैं, वो जो भी राजवीर जी के साथ वहां गए थे वो हमारे गांव के, हमारे अपने ही हैं, और तुम उन्हीं में आग लगाए दे रहे हो, हमारी दुश्मनी बनवा रहे हो। इतने लोग नहीं है हम कि तुम आज हमारी दुश्मनी बनवा दो, हम ये दुश्मनी निभाते फिरे। हमें दोस्ती प्यार निभाना है, हमें अपना परिवार देखना है। हमें तुम्हारी FIR सिर्फ और सिर्फ तुम व्यूज के लिए कर रही हो, व्यूज के लिए रिलेशन निकाल रहे हैं लोग हमसे, हम उनके ये लगते हैं, हम उनके ये लगते हैं, और बस व्यूज के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। तुम पे बीती नहीं है, तुम पे खुद पे बीतती ना तब तुम्हें पता चलती कि क्या होता है एक दुख और एक दर्द। तुम लड़कियां जो भी है ना, जो बुरा भला लिख रही हैं, बोल रही हैं, कर रही हैं, तो ये FIR करवा रही हैं, ये तुम पे नहीं बीता। तुम्हारा एक जो फेस की एक रौनक होती है ना, वो तुम्हारी नहीं गई, तुम्हारा घर का बेटा नहीं गया। तुम्हारे उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो क्या बीत रही है। एक तुम्हारा बेटा नहीं गया, उनके दो बेटे थे, दोनों चले गए। तुम्हारा कोई पति नहीं गया, मेरा पति गया है। उन दो बच्चियों को देखो, उनका बाप गया है। उस बहन से पूछो, तो दुख दर्द तुम्हें पता भी नहीं है क्या होता है। तुम्हें तो एक ऐसा लगा एक टॉपिक है, अच्छा व्यूज मिल रहा है, बना डालो कुछ भी। तुम क्या करोगी छानबीन उनकी, जब कोई ऐसी बात ही नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग नहीं देखते। राजवीर जी तुम्हारे कुछ ज्यादा लगते थे कि हमारे कुछ नहीं थे, कि वो पापा जी उनके कुछ नहीं थे, तुम्हारे ज्यादा थे कि तुम ज्यादा ये छानबीन गांव तक, हमारे गांव तक पहुंच रहे हैं, वहां पे लोगों से बात कर रहे हैं, फिर FIR करवा दी तुमने उन भैया के नाम पे। मत करो, मत करो, किसी तुम्हें दुख दर्द नहीं हो रहा ना, तो इतना करो कि दूसरे को जीने दो, अच्छे से जीने दो, ठीक है। और तुम्हें जो करना है, जिसको हद से नीचे गिरना है वो गिर लो, क्योंकि अभी हमारा ऐसा टाइम है, हम किसी से कुछ बोल नहीं सकते। क्या बोलें, इतनी दम नहीं है किसी में भी कि इतना कुछ बोल सके कि क्या करें। कि सबका टाइम है, आज हमारा टाइम नहीं है, बस मैं इतना ही बोलूंगी। कभी हमारा टाइम आएगा, मेरे बच्चे बड़े होंगे, हमारे घर में भी थोड़ी बहुत खुशियां आएंगी, हम भी थोड़ा खुश हो लेंगे जब टाइम आएगा हमारा, लाएंगे हम खुशियां। मैं सब करूंगी, मैं अपने घर के लिए बेटा बन के दिखाऊंगी, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही राजवीर हूँ, सब मैं हूँ आज। अपने मम्मी पापा के लिए, मेरे सास ससुर भी ये वीडियो देखेंगे, मैं हूँ तुम लोग के साथ में, सब मैं करूंगी। टाइम लगता है बस थोड़ा सा स्ट्रांग होने में, सारी चीजें होने में, बाकी मैं सब करूंगी। बस तुम लोगों से इतना कहूंगी कि बस जीने दो किसी को, है ना। तुम्हें दुख तो नहीं है, दुख होता तो इतना सब कुछ नहीं करते। बस जीने दो हमें, क्योंकि मेरी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको भी कुछ अच्छी लाइफ देनी है। सही बोल रही हो सिस्टर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के दुख से, किसी के क्या, जिस बस सभी को व्यूज चाहिए। ये बिल्कुल सही बोल रही हो आप कि राजवीर जी गए हैं तो दुख सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को हुआ है, बाकी किसी को नहीं। जो भी है सिर्फ व्यूज के चक्कर में कि सपना मर गई है, ये हो गया है। यार सही कह रही है वो, उनकी दो बेटियां हैं, उनको कौन, आप रखोगे, आप खिलाने जाओगे क्या। भगवान ये बोलो कि उनकी दो बार मौका, एक बार और फिर से मौका दिया था, दोनों बार ऐसा हो गया उनके साथ, तो उनका क्या होगा। उनकी ज़िंदगी एकदम उजड़ गई है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, आप उस चीज़ को सोचो ना। क्या बोला जाए यार, कुछ समझ नहीं आता। बेचारी इतना परेशान है सच में। मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो देखी थी कल, तो मैं भी डाल रही हूँ, मैं बहुत रोई।